अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू? हाउ? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आज उर्दू का हम मज़मून कवर करने जा रहे हैं और उर्दू के अंदर हमारा जो आज का SLO है या टॉपिक है वो है अल्फाज मानी। अल्फाज मानी को याद करने के लिए मैं आपके लिए एक एक्टिविटी लेके आया, उसका नाम है स्लैप टू द बोर्ड। स्लैप टू द बोर्ड गेम के रूल ये हैं कि जैसा कि आप लोगों को दो टीम्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक टीम ए है मेरे जो दाएं हाथ पे, ये वाली ये टीम ए है, और ये जो मेरे पास सामने है ये है टीम बी। टीम ए और टीम बी ने अपना अपना एक टीम लीडर चूज़ किया है। टीम ए को लीड कर रहे हैं फैज़ान इमरान और टीम बी को लीड कर रहे हैं अरमान रफीक। ओके, रूल्स ये हैं कि अरमान और फैज़ान, जैसे ही मैं कोई लफ्ज़ बोलूँगा आपने बोर्ड की तरफ देखना है। बोर्ड पर उसके अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक जो भी उसका मानी होगा, भागकर जाकर आपने इसको स्लैप कर देना है। यूं जो भी एक लफ्ज़ है, फ़र्ज़ कीजिए मैं कहता हूँ उदास, आपने उसका देखा गमगीन है तो गमगीन पर जाके आपने ज़ोर से स्लैप कर देंगे। जो टीम लीडर पहले स्लैप कर देगा उसको उसका एक पॉइंट मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? और टीम ए टीम बी, आप अपने टीम लीडर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई उस लफ्ज़ का मानी आता है, आपके लीडर्स को नहीं आ रहा, तो आप पीछे से उसका जवाब बोल सकते हैं ताकि आपके टीम को पॉइंट मिल सके। ओके ओके, गेम स्टार्ट करते हैं। अरमान कैसे स्लैप करेंगे? जब कोई लफ्ज़ बोलूँगा तो उसका मानी यो शाबाश, लेकिन उसके ऊपर जाके ज़ोर से स्लैप कर देंगे। जो पहले स्लैप कर देगा उसको एक पॉइंट मिल जाएगा। और स्कोरबोर्ड के लिए, हमारी हेल्प के लिए यहाँ पे मौजूद हैं सहर, जो कि टीम ए और टीम बी के लिए यहाँ पर बोर्ड के ऊपर स्कोरबोर्ड पर पॉइंट्स दर्ज करती जाएंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी को। स्लैप टू द बोर्ड, क्या नाम है? वेरी गुड। ओके जी, पहला जो लफ्ज़ मैं बोलने जा रहा हूँ वो है बुलंद। हाथ पीछे कीजिए, क्या है इसके पीछे? ऊंचा। वेरी गुड, टीम बी को एक पॉइंट मिल जाता है। टीम बी, वेरी गुड। उदास, उदास, देखिए देखिए ये लगाया नीचे, किसका हाथ है? फैज़ान का। फैज़ान टीम ए, टीम ए को एक पॉइंट मिल गया। वेरी गुड, दोनों बराबर हो गई। देखिए उजाला, बेटा मानी बोल रहे हैं, देखिए नौ नौ, दोनों ने गलत लगाया ढूंढे। उजाला उजाला उजाला, यस ये चीज रोशनी। वेरी गुड, ये टीम ए को एक पॉइंट मिल गया, टीम बी का जीरो। ओके बेटा, गौर से सोच के आप मारा करें। इब्तदा, ये चीज ये लगा दिया जी टीम ए ने। इब्तदा का आगाज, ओके। उसके बाद काहिल का क्या मतलब होता है? काहिल काहिल, ये सुस्त, कहाँ हाथ पीछे, किसके पीछे करें? यह टीम ए के लीड, टीम लीडर ने आ गया। टीम ए, टीम ए आगे जा रही है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे पीछे लाइन पे रहें, ये मैंने नीचे लाइन इसीलिए लगाई थी, लाइन पे मौजूद रहें। वेरी गुड, उसके बाद आप लगाएंगे तकलीफ, ये वेरी गुड। टीम ए, टीम बी, टीम बी हिम्मत करें, आपके पॉइंट पीछे रहते जा रहे हैं। ओके, आफरीन का क्या मतलब होता है? आफरीन आफरीन, ये टीम बी को पॉइंट मिल गया, शाबाश। आफरीन का मतलब होता है शाबाश। टीम, मेरे पास अगला लफ्ज है गुलशन। किसने लगाया पहले? टीम बी ने। क्या हाथ पीछे करें? इसके पीछे बाघ था। वेरी गुड, बाघ जी, टीम बी को एक पॉइंट मिल जाता है, बाघ। सदाकत,
सदाकत, ये अच्छी टीम ए ने पहले हाथ मारा, टीम ए। सदाकत, सदाकत का मतलब होता है सच। उसके बाद खबर, ये टीम बी ने पहले हाथ टच किया। आका, ये टाई हो गया, दोनों को एक एक पॉइंट दे दें जी, दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा, दोनों ने एक वक्त में ही लगा दिया। चलें आगे देखें, अपनी लाइन पे रहे दोनों। उसके बाद है अंधेरा, ये क्या है पिछटे, ये आपने गलत पे लगाया था, टीम ए ने लगाया जी, वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास अगला जो पॉइंट है, अगला जो लफ्ज़ मैं बोलूँगा वो है, कौन से रह गए अभी अपनी लाइन पे, मोहब्बत। नो 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 नो, दोनों ने गलत पे मोहब्बत, ये ओके। अजीम, टीम ए, टीम ए। मुशक्कत, मुशक्कत, नो, दोनों के रहूंगा, देखे देखे कहाँ पे है सही लोग, मुशक्कत। ये टीम बी ने पहले हाथ लगाया जी, अरमान, टीम बी को पॉइंट मिल गया। और उम्दा, उम्दा, ये टीम ए को पॉइंट मिल गया। ओके ओके, अब देखते हैं टीम ए ने कितने पॉइंट हासिल किए हैं, टीम बी ने कितने लिए हैं, एक मिनट देखिए, बोले कोई ना। टीम ए ने हासिल किए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और टीम बी ने हासिल किए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 11 टीम ए, टीम ए ने ज़्यादा पॉइंट हासिल किया, टीम ए को दो, टीम ए विन। टीम बी भी अच्छा खेली है, टीम बी के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छा खेले है अरमान भी, वेरी गुड। ओके तो बच्चों कैसी लगी एक्टिविटी, ये गेम, और टीचर्स के लिए कि आपने इस लैपटॉप द बोर्ड एक्टिविटी देखी, इस तरह की एक्टिविटी को आप लोग वाहिद जमा, मुजक्कर मानस और इंग्लिश के अंदर वर्ड मीनिंग के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये गेम एक्टिविटी पसंद आई होगी, इस लैपटॉप द बोर्ड।